आदर्श, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड से कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। सर, मैं एक लो इनकम फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ है और साथ ही साथ हम लोग तीन भाई बहन हैं, जिसमें बड़े भाइयों में सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ। मेरी स्कूलिंग, मैं अगर पाँचवीं तक की बात करूँ तो हिंदी स्कूल मीडियम था, सरकारी स्कूल से गाँव से मैं पढ़ा हुआ हूँ। जब मैं छठी क्लास में आया तो छठी क्लास के बाद मैं यहाँ अपने शहर चंपारण जिला है वहाँ बिहार का एक और इसके छोटे से शहर बेतिया से मैंने स्कूलिंग। एक बात आप नोट करिएगा कि जैसे बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ा है या मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो क्या मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो देखो मेरे भाई इस बात को समझो आप। जैसे आदर्श भी है, पाँचवीं तक इन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और पाँचवीं के बाद इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल को ज्वाइन किया, तो ऐसा पीछे की पढ़ाई का थोड़ा प्रभाव पड़ता है बट इतना भी नहीं पड़ता कि आप सरकारी नौकरी नहीं निकाल सकते। तो सिक्स के बाद आपने ट्वेल्थ तक कहाँ से पढ़ाई किया? सिक्स से ट्वेल्थ तक वहीं पे बेतिया में ही एक सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से सिक्स से ट्वेल्थ तक मैंने पढ़ाई की है। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जरूर था, मैं बोलूँगा ये चीज़, बट वहाँ पे टेक्स्ट बुक ही इंग्लिश मीडियम की थी और जो उसका करिकुलम था या फिर बात करने की शैली या टीचर्स जो हम लोग पढ़ाना शुरू करते थे वो सारी चीज़ें हिंदी में ही होती थी। तो ये आप लोग का एक रह जाता है, जैसे कि सर ने भी कहा अभी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का फ़र्क, ठीक है, तो कहने के लिए चीज़ें हैं, अगर कहने की आपके अंदर वो जोश है और आप डिटर्मिंड हो तो आप चीज़ें जरूर हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।